कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन। तो ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 8 ब्रेड लिए, इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा, इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मलाई वाली दूध ली है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हम गूंधेंगे इस तरह से। इसे हम अच्छी तरह से मसल कर गूंधेंगे इस तरह से, ताकि गुलाब जामुन में गुठलियाँ ना हो। तो इसे हमने गूंध लिया है, इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हम चीनी लेंगे उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। इसे हम एक बार चला देंगे और चीनी को हम अच्छी तरह से घुलने देंगे। तो अब चीनी घुल चुकी है, इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 इलायची के दाने। अब हम गैस धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम 10 मिनट तक पकने देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो गैस हम बंद कर देंगे। तो अब चाशनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसे हम हथेली की सहायता से गोल बना लेंगे इस तरह से। बॉल्स बनाने वक्त ये ध्यान रखिए कि बॉल्स में दरारें नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह हम सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब सभी बॉल्स बनकर तैयार है, तो इसे अब हम छान लेंगे। एक कढ़ाई में हम घी गर्म कर लेंगे। घी को हम मीडियम गर्म करेंगे। आप चाहे तो घी के जगह पर तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है गुलाब जामुन। तो घी हमारी मीडियम गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स डालने के बाद हम गैस मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर इसे हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम पका लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम गर्म चाशनी में डाल देंगे। एक बार इसे हम हिला देंगे इस तरह से। अब इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब गुलाब जामुन बनकर तैयार है। देखिए गुलाब जामुन कितने बड़े हो गए हैं और देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी इस तरह से ब्रेड के गुलाब जामुन बनाकर अपने घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।